नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की 66th वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन। सरकारिया कमीशन तो इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, पुंछी कमीशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई होप ये किताब आपने खरीद ली हो और वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दिया हो। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए, जिसमें मैं पॉलिटी के MCQs, इकोनॉमी के, एनवायरमेंट के, इन सब के MCQs जल्दी अपलोड करूंगा, CSAT से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस सारी प्रिपरेशन में जल्दी अपलोड होंगी, तो इनको देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अब बात की जाए सरकारिया कमीशन की। 1983 में केंद्र की सरकार ने 3 मेंबर का कमीशन अपॉइंट किया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे, जिसके चेयरमैन कौन थे? R.S. सरकारिया। R.S. सरकारिया पहले सुप्रीम कोर्ट में जज थे, बाद में इनको सरकारिया कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। इसमें 2 और मेंबर्स थे जिनका नाम था B.Sivaraman और S.R. सेन। हालांकि इन मेंबर्स के नाम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, बस R.S. सरकारिया का नाम याद रखिएगा। इस कमीशन से बोला गया कि देखिए, सेंटर और स्टेट्स के जो रिश्ते हैं इनको आप ढंग से एग्जामिन करिए, और जितने भी स्फीयर्स हैं, चाहे सोशल स्फीयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो, उसमें सेंटर और स्टेट के रिश्तों के ऊपर आप कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए। अगर कुछ गलतियां हैं तो गलतियां बताइए, उनमें चेंजेस को रिकमेंड करिए, ये सब चीज़ें बोली गई। 1983 में कमेटी बनाई गई, पहले इसको 1 साल का समय दिया गया, बाद में इसके समय को 4 साल बढ़ाया गया, 1-1 साल से। आप फाइनली देखोगे कि 1983 में कमीशन अपॉइंट हुआ और 1988 में इसने रिपोर्ट दी 5 साल के बाद। ठीक है, किसी भी तरीके का जो, देखिए जो रिपोर्ट आई निकल के सरकारिया कमीशन की, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए गए थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। देखिए, संविधान जब बना था तो हमारे संविधान के जो फादर्स थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, उन्होंने सेंटर को ज्यादा ताकत दी थी और स्टेट गवर्नमेंट को कम ताकत दी थी। इस सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में भी ये बोला गया कि देखिए, जो सेंटर को, केंद्र सरकार को जो ताकत ज्यादा दी गई है ना, वो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि देखिए, केंद्र के पास ताकत रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फेडरल के कंसेप्ट को लेके ज्यादा पॉलिटिकल ताकत स्टेट्स को दे दोगे तो कहीं ना कहीं उससे सेक्शनिस्ट टेंडेंसी आएगी, फिसी पैरियस टेंडेंसी आएगी। राज्य की सरकार कभी भी केंद्र सरकार को बोल सकती है कि हम आपके साथ नहीं, हम आपसे अलग हैं, क्योंकि हमने आजादी से पहले इस तरीके की टेंडेंसी देखी है। तो कहीं ना कहीं सेंटर का स्ट्रांग रहना जरूरी है। हाँ, सरकारिया कमीशन ने एक बात कही कि देखिए, अगर आप फेडरलिज्म की बात करते हो तो फेडरलिज्म में ऑपरेशन ज्यादा वैल्यू करते हैं। ऑपरेशन मतलब कि कैसे आप ग्राउंड लेवल पे फंक्शन कर रहे हो, कैसे आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, कैसे ग्राउंड लेवल पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए सेंटर को लिख के कोई ताकत देना जरूरी नहीं है स्टेट्स को। ओवरऑल फंक्शनिंग में भी अगर सेंटर खुले दिल से कुछ ताकत देता है ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कुछ कोऑपरेटिव एक्शन हो तो काम चल जाएगा। मतलब कि ये जो डिमांड थी ना कि सेंटर की ताकत को कम करिए, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में, उससे बाद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में, राजवन्नार कमेटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, इन सब कमीशन्स में जो ये आपका रिकमेंडेशन दी गई थी कि सेंटर की ताकतों को कम करिए, स्टेट की ताकत को बढ़ाइए, वो रिकमेंडेशन अलग है। लेकिन सेंटर को जितना हो सके उतना ज्यादा ऑपरेशनली ताकत देनी चाहिए स्टेट्स को, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा ताकत सेंटर अपने पास रखेगा तो सेंटर पे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और स्टेट्स के पास खून की कमी हो जाएगी। क्या बोला? इट विल लीड टू ओवर सेंट्रलाइजेशन, लीड्स टू ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड एनीमिया एट द पेरिफेरी। एनीमिया मतलब खून की ताकत, खून की कमी मान लीजिए, आयरन की कमी मान लीजिए। अभी सरकारिया कमीशन ने 247 रिकमेंडेशंस दी। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को देखते हैं। सबसे पहले, पहली वाली रिकमेंडेशन राजमन्नार कमेटी ने भी दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी दी थी। इन्होंने बोला परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए, जिसको बोला जाएगा इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर बोला गया कि आर्टिकल 356 के अंदर जो स्पेशल ताकत है सेंटर के पास प्रेसिडेंट रूल की, इस ताकत को बहुत एक्सट्रीम केसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन मर्जी, अपने मुताबिक कभी भी इस ताकत का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये ताकत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है। तो कभी स्टेट की टेंडेंसी ऐसी हो जाए कि वो बिल्कुल ही सेक्शनिस्ट होने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रावधान ना माने, तो आप प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी मर्जी के हिसाब से अपना पॉलिटिकल वेंडेटा पूरा करने के लिए आप आर्टिकल 356 का इस्तेमाल मत करो।
फिर तीसरा, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आप देखोगे वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन और कहीं ना कहीं बाकी जो राजबन्नर कमेटी थी, उन्होंने बोला कि भैया ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत हमको नहीं है, हम अपनी स्टेट की सर्विसेज से काम चला लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ में सरकारी कमीशन क्या बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत जरूरी है और ऐसी कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जानी चाहिए, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को भी बनाई जाने की बात करी जा रही है। लेकिन इंडियन जुडिशियल सर्विसेज अगर बनती है तो सबसे ज्यादा कौन डरेगा? आईएएस आईपीएस ही डरेंगे, क्योंकि एक जज अगर डायरेक्टली रिक्रूट होकर आके डिस्ट्रिक्ट में बैठ गया आईएएस आईपीएस के साथ, तो वो हर दूसरे दिन समन इशू कर सकता है आईएएस आईपीएस को, और ये आईएएस आईपीएस हाथ जोड़े उसके सामने खड़े नजर आएंगे। इसलिए आईएएस आईपीएस लॉबी चाहती नहीं है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज बने। बहरहाल वो एक अलग चीज है। फिर आगे क्या बोला गया, द रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट व्हाइल द अदर रेजिडरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि टैक्स से रिलेटेड जब रेजिडरी पावर आती है तो वो पार्लियामेंट के पास है, और बाकी चीजों में अगर रेजिडरी पावर आती है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाए। हालांकि इस चीज को माना नहीं गया, अभी भी जो रेजिडरी पावर्स है सारी की सारी वो किसके पास जाएंगी? सेंटर के पास जाएंगी। फिर अगर स्टेट का बिल पास होता है, आपको पता है स्टेट में जब बिल्स पास होते हैं तो गवर्नर के पास ये ताकत होती है कि अगर गवर्नर को लगता है कि ये स्टेट का बिल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या संविधान के किसी प्रावधान के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। अभी प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट के बिल को अप्रूवल दे, चाहे तो ना दे, चाहे तो पेंडिंग करके रखे। उस केस में दोस्तों, प्रेसिडेंट अगर पेंडिंग करके रखता है या स्टेट गवर्नमेंट के बिल को अप्रूवल नहीं देता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भैया आपके बिल को हमने क्यों रोका है। ठीक है, बिना मतलब रिजेक्ट कर देना, बिना मतलब रोक देना, ये सही नहीं। फिर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, इसका नाम होना चाहिए था नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। आपको पता है दोस्तों, देश की आजादी के बाद 1950 में दो इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई गई, एक प्लानिंग कमीशन, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। ओके, और आप देखोगे प्लानिंग कमीशन जो भी रिपोर्ट बनाता था, प्लानिंग कमीशन जो भी प्लानिंग करता था, उसके ऊपर रिव्यू कौन करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक इंपॉर्टेंट बॉडी थी। हालांकि प्लानिंग कमीशन जो नियम कानून बना देता था उसको ज्यादा चेंज नहीं कर पाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि उसमें भी वही लोग बैठते थे जो प्लानिंग कमीशन में थे, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, आप समझ ही जाओगे। तो ये बोला गया कि आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नाम दीजिए नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, फिर आगे जोनल काउंसिल का प्रावधान था। यहाँ पे जोनल काउंसिल को बनाया जाना चाहिए और इनको रीएक्टिवेट करना चाहिए फेडरलिज्म की स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए। जोनल काउंसिल हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, साउदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। अभी जोनल काउंसिल के बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि दिस इज अ सेपरेट चैप्टर लगेगा। फिर ये बोला कि सेंटर के पास ये ताकत होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय किया जा सके स्टेट्स के कंसेंट के बिना, बट नॉर्मल कर केसेस में स्टेट का कंसेंट लीजिए आप डिप्लॉय करने के लिए। मतलब कि मान लीजिए स्टेट में इंसर्जेंसी आ गई, अभी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए चाइना घुसने लगता है, इनग्रेस करने लगता है, इनक्रोचमेंट करने लगता है, तो उस केस में अरुणाचल प्रदेश में आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, हो सकता है एक्स्ट्रा आर्मी भेजनी पड़े। तो इस तरीके की आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करने के लिए कंसेंट ऑफ स्टेट जरूर होना चाहिए। मतलब कि आप आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट गवर्नमेंट को दबाने के लिए डिप्लॉय मत करो, कुल मिला के बात यह है। ठीक है, फिर भाई अगर कॉन्करेंट लिस्ट, आपको पता है 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उस कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती। अभी मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे नियम कानून बनाती है, तो ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक बार डिस्कशन करे इस नियम कानून को बनाने से पहले। ओके, फिर भाई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है। अभी गवर्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन वाले करने वाले पॉइंट पे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अभी देखिए ये प्रॉब्लम शुरू में तो नहीं थी, जब सेंटर में एक गवर्नमेंट है और स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो काम चलता रहता है। लेकिन मान लीजिए सेंटर में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। अभी अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है
तो गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक लड़ाई की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सेंटर का। और चीफ मिनिस्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक कॉपरेशन हो, लड़ाई ना हो, इसलिए गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से पहले चीफ मिनिस्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, इनफॉर्मली कभी कभी चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया भी जाता है, लेकिन यहां पे सरकारिया कमीशन क्या बोल रहा है कि इस चीज को आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को क्लियरली लिखो कि भैया स्टेट में गवर्नर के अपॉइंटमेंट होने से पहले चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन होना मैंडेटरी है। इस रिकमेंडेशन को सरकारिया कमीशन की कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर ये बोला गया कि कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स आपको पता है दोस्तों बहुत मेजर चंक है आज की डेट में कॉरपोरेशन टैक्स। ये जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स इंडिया में काम करते हैं, ये जो टैक्स देते हैं उसको बोला जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। ओके, कॉरपोरेशन टैक्स को सेंटर और स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी एक ऐसी फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट करना जिसके साथ स्टेट्स भी एग्री करें। तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहीं ना कहीं स्टेट्स उससे एग्रीड है। फिर बात की जाती है कि देखिए गवर्नर को ये जो ताकत मिली है कि जब भी उसे लगे कि हाँ भाई जो स्टेट की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर देता है, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है। ये जो ताकत है ना गवर्नर की, ये ताकत गवर्नर एक्सरसाइज ना कर सके जब तक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक मेजोरिटी को रखता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए तमिलनाडु में अगर ऑल इंडिया द्रविड मुनेत्र कजगम की सरकार है, तो ऑल इंडिया द्रविड मुनेत्र कजगम की सरकार के पास जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है तब तक उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर सस्पेंड ना कर सके। ये बोला सरकारिया कमीशन ने। हालांकि इसमें जो कंटेक्स्ट था वो कंटेक्स्ट ये था कि भैया सेंटर अपने मन का बदला निकालने के लिए स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सस्पेंड ना कर पाए, बस ये चीज थी। अब कल की डेट में कोई सरकार खड़ी होगी ये बोलने लगे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, चाइना के साथ मिल जाएंगे, हम अलग कंट्री, तो उस केस में तो भैया सस्पेंड कर ही दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर सरकारी कमीशन ने बोला कि देखिए जब भी गवर्नर को किसी एक स्टेट में गवर्नर की कैपेसिटी में अपॉइंट किया जाता है तो जो नॉर्मली उसका टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अभी गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ सेंटर काम करता है, तो जब तक गवर्नर सेंटर की बात मानता है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन गवर्नर जैसे ही सेंटर की बात माननी बंद कर देता है तो सेंटर क्या करती है, स्टेट की सरकार को सस्पेंड कर देती है। तो या तो स्टेट की सरकार को सस्पेंड करवा देगी गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कभी कभी गवर्नर ने अगर सेंटर की बात नहीं मानी, मैं बीच में थोड़ा गलत बोल गया उसके लिए सॉरी, तो स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बन रही, जैसे तमिलनाडु का और आपका लाल कृष्ण आडवाणी वाला सीन बताया था मैंने आपको 2-3 वीडियोस में पहले, फातिमा बीवी गवर्नर थी उस समय पे, तो फातिमा बीवी जैसे बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दो, उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया तो गवर्नर को हटा दिया गया। तो बात यह बोली गई है कि भैया गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कोई एम्प्लॉय नहीं है सेंटर का, तो अगर एक बार आपने उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है तो उसका टेन्योर पूरा होने दीजिए, बीच में निकालने की कोई बहुत ही स्ट्रांग वजह हो तो ही निकालिए, ठीक है। फिर ये बोला गया कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या स्टेट कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर किसी भी तरीके की इंक्वायरी खोलनी है तो या तो कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस हो, अगर बहुत ज्यादा सीरियस केस है तो उसकी पार्लियामेंट में डिमांड उठेगी। मतलब केंद्र सरकार अपनी चीजों को पूरा करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी खिला दे खुलवा दे या कुछ और इंक्वायरी खुलवा दे वो ठीक नहीं है। तो अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा करप्शन किया होगा, गलत काम किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी खुलवाने की जो डिमांड है वो पार्लियामेंट में उठ जाएगी। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक किसी भी स्टेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी ना खुलवाई जाए। फिर इनकम टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज वाली बात होती है, आपको पता हो ना टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज सेस, अभी देखिए इसके जो प्रोसीड्स है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। तो यहां पे सरकारी कमीशन क्या बोल रहा है कि अगर कोई बहुत जरूरी चीज है या कोई बहुत स्पेसिफिक चीज है और वो भी कुछ समय के लिए है तो ही स्टेट गवर्नमेंट सरचार्ज लगाए, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सरचार्ज ना लगाए। फिर फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में एक डिबेट चल रही थी, सब लोग बोलते थे प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पे सरकारी कमीशन क्या बोलता है कि नहीं ठीक है फाइनेंस कमीशन अपना काम कर रहा है,
प्लानिंग कमीशन अपना काम कर रहा है। ये अलग बात था कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी तो उसके पास ताकत थी, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसके पास ज्यादा ताकत थी। फिर बोला गया कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को पूरे देश में ट्रू स्पिरिट के साथ आप इम्प्लीमेंट करिए, इससे देश की जो यूनिटी है वो बढ़ेगी। बहुत सारी स्टेट्स थी वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर रेडियो और टेलीविजन में बोला गया कि भाई इनके ऑपरेशंस में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी राज्य की सरकार भी अगर रेडियो या टेलीविजन पे अपने कुछ प्रोग्राम्स को दिखाना चाहे जो कुछ भी उन्होंने अपने स्टेट में किया है तो उनको ये परमिशन होनी चाहिए। फिर बोला गया कि एक कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाइए। तो भाई 247 रिकमेंडेशंस दी सरकार या कमीशन में, जिसमें से 180 रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। इंटर स्टेट काउंसिल जो बना था वो सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से बना था, और सबसे जरूरी चीज जो सरकार या कमीशन के अंदर हुई थी वो थी आपकी इंटर स्टेट काउंसिल। अब चलते हैं पुंछी कमीशन पे। सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अक्सर कर ये डिमांड आ रही थी कि भाई जो स्टेट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट पावर नहीं दी जा रही है, सेंटर ज्यादा पावर अपने पास रखा है। तो सेंटर स्टेट के बीच में जो बहस की लड़ाई की स्थिति थी वो जारी थी। इस चीज को ठीक करने के लिए एक और कमीशन बैठाया गया सेंटर स्टेट रिलेशंस पे अप्रैल 2007 में, किसके अंदर? मदन मोहन पुंछी के अंदर। मदन मोहन पुंछी के अंदर, ओके। मदन मोहन पुंछी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। इनके अलावा जो कमिटी मेंबर्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार दुग्गल थे, एन आर माधव मेनन थे, डॉक्टर अमरेश बागची थे। अभी वो उतना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और उतना आपको याद रहेगा भी। इससे बोला गया कि भैया चलिए ठीक है, आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को और देखिए, सरकार या कमिश्नर लास्ट टाइम देखा था अब आप देखिए। लेकिन पुंछी कमीशन से बोला गया कि देखो आप सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू कर रहे हो, बट आपको कुछ दायरे में रख के ये रिव्यू करना पड़ेगा। क्या दायरे रखे गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑलरेडी एक टर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चल रहा है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। फिर जो कोर्ट रूलिंग्स आई हैं सेंटर और स्टेट की ताकत को लेके उसको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। फिर चाहे वो लेजिस्लेटिव फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे गवर्नर का काम हो, चाहे इमरजेंसी प्रोविजन हो, चाहे फाइनेंशियल रिलेशन हो, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, पंचायती राज, इंटर स्टेट रिवर वाटर, इन सब चीजों में जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं जिनको ऑपरेशनल फील्ड में हम कम कर सकें उस पर अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी के लिए जो अरेंजमेंट चल रहा है कितना ज्यादा उसमें हम ऑपरेशनल चेंजेस करें ताकि वो अच्छे हो जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट जितना हो सके उतने ऑपरेशनल चेंजेस सजेस्ट करो, ओके। फिर जब आप इस तरीके के चेंजेस सजेस्ट कर रहे होगे तो उस समय पे आपको देश के सोशल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, आपको देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। ये सब कंडीशंस रखी जा रही है पुंछी कमीशन के सामने, ओके। हमारा देश कैसे आगे बढ़ा है, पिछले कई डिकेड्स में क्या क्या चीजें हुई हैं। इनफैक्ट जो आपकी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, मैंने क्या बताया 1988 में सरकारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको इंप्लीमेंट किया गया। अभी 1988 से कितना समय बीत चुका है, अप्रैल 2007 हो चुका है, दो डेकेड्स बीत चुके हैं। तो इन दो डेकेड्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा सेंटर स्टेट के रिलेशंस में, उस इंप्रूवमेंट को आप ध्यान में रखो। इन सब चीजों को ध्यान में रख के, लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रख के, गुड गवर्नेंस को ध्यान में रख के, जो आगे हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे हम अपनी पॉवर्टी को कैसे हटाएं, इन चीजों को ध्यान में रख के, देश की इलिटरेसी को ध्यान में रख के आप अपनी राय दीजिए, ये बोला गया। फिर ये भी बोला गया कि आपको कुछ और चीजों पर अपनी राय देनी, बट सिर्फ उन चीजों में समिट नहीं जाना है, बस आप अपनी राय दो। राय क्या है कि मान लीजिए किसी स्टेट में दंगे भड़कते हैं, अब चाहे वो रिलीजन के नाम पे दंगे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे दंगे हो, चाहे वो किसी तरीके का सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, वायलेंस हो, कुछ भी हो, कम्युनल दंगे हो, अगर इस तरीके कहीं पे कोई दंगे हो रहे हैं तो उसमें सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है विज अवे स्टेट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट अपने फायदे की वजह से कुछ गलत चीज को प्रमोट कर रही है अपने यहाँ पे, तो उस केस में सेंटर किस हद तक इंटरफेरेंस कर सकता है और किस हद तक रोक सकता है आप बताइए। तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर एनआरकी फैली, स्टेट में एनआरकी फैली और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो सेंटर क्या करेगी, इस पे राय दीजिए। फिर बोला गया जो मेगा इंटर स्टेट के रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं
जिनमें 15 से 20 साल लगते हैं कंप्लीशन में। अब ये जो बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ऐसी नदी पे बन रहे हो, ज्यादातर नदियां किसी एक स्टेट से तो लिमिटेड है नहीं, वो स्टेट टू स्टेट फ्लो करती हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाएंगे कि स्टेट के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे शांत करना है इस पर अपनी राय दीजिए, ये बोला गया। फिर भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, लोकल बॉडीज को जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ओके, फिर ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। अभी सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एएमटीएम है, वहां पे ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। एएमटीएम, एएमटीएम स्टेट्स कौन से नीचे बताइए, अभी उनको कितनी ताकत देनी है इसको डिसाइड करने का काफी हद तक जो डोमेन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास कितना है। तो मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो लोकल बॉडी होती है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, इनके ऊपर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती है स्टेट्स में छठे शेड्यूल में, उनके ऊपर भी काफी हद तक जो कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। उसमें किस हद तक इंटरफेरेंस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आप उनको बताइए। फिर ये बोला गया कि देखिए डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे स्टेट का अपना खुद का एक बजट होता है, उस स्टेट के बजट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना पैसा देना है, किन किन बॉडीज को देना है, किस तरीके से पैसा खत्म करना है, उसमें सेंटर किस तरीके से अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है, ये सब बात की गई। फिर भाई सेंटर की और स्टेट्स की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं। अभी मान लीजिए सेंटर ने बहुत सी स्कीम चला रखी, वो स्कीम्स स्टेट में भी चलेंगी, जो कि लोग तो स्टेट्स में रहते हैं ना। अभी उन स्कीम्स को चलवाने में सेंटर किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होगा, किस हद तक सेंटर का इंटरफेरेंस होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगा, इस चीज के बारे में आप अपनी राय दीजिए। फिर ये बोला गया कि भाई स्टेट्स में जो बैकवर्ड क्लासेस की, जो खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स है, जो ज्यादा अभी आगे बढ़े नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस वाला बाद में आएगा, तो भैया वो स्टेट्स जो इकोनॉमिकली अभी ग्रो नहीं हुए, पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर स्टेट देना चाहे, सॉरी सेंटर देना चाहे, अगर सेंटर उनको कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करना चाहे बाकी स्टेट से कंपैरिजन में, जैसे आप मान लीजिए आप गुजरात जैसे स्टेट को छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ है, गुजरात इकोनॉमिकली बहुत फॉरवर्ड है, तो क्या सेंटर किस हद तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ को प्रेफरेंस दे सकता है और गुजरात को प्रेफरेंस नहीं दे सकता। चूंकि देखिए जो भी इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स गुजरात से आ रहा है, ठीक है, तो गुजरात बोल सकता है कि हमारे टैक्स हमको दो, हमारे टैक्स उठा के आप छत्तीसगढ़ को दे रहे हो, वो बेकार है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो इन सब चीजों में सेंटर किस हद तक इंटरफेरेंस कर सकता है ये बताइए। तो ये सब बातें, बहुत सारी और बातें यहाँ पे बोली गई हैं दोस्तों, वो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अभी तो यही चल रहा है कि भाई पुंछी कमीशन को जो रिपोर्ट बनाने को बोली गई है उसमें क्या क्या बेंचमार्क्स रखे गए, अभी एक्चुअली में पुंछी कमीशन ने रिपोर्ट क्या दी वो अगली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।